तो हीरालाल सर, बताइए कि आज हम सभी JSSC ऑफिस आए हुए हैं, JSSC ऑफिस में क्या बात हुई और किस पर्पस से हम लोग आए हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को झारखंडी जोहार, और जितने झारखंड के CITS अभ्यर्थी हैं जो झारखंड ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम दे करके परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद कहेंगे जो लोग आए, और जो नहीं आए उन लोग को भी यह निर्देश देते हैं कि सब कोई एक्टिव होइए और जागरूक होइए, क्योंकि 2-4 लोग थे, आज 30-40 लोग हुए हैं। जब तक यह संख्या 1000+ नहीं होगा तब तक JSSC को का कान नहीं खुलेगा, एकदम सीधी बात यह स्पष्ट आ रही है, क्योंकि ये नींद में सोई हुई है। स्पष्ट यह कहना चाहते हैं कि विगत लगभग आज पाँच छः महीना हो गया है परीक्षा लिखे हुए। परीक्षा के समय में यह आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द, जो हम लोग का एग्ज़ाम डेट दिया गया था उससे 15 दिन पहले हम लोग से परीक्षा ले लिया, तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि चलो भाई पहले परीक्षा ले रहा है, रिजल्ट जल्दी लेगा, इलेक्शन चुनाव से पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगी। उसके बाद रिस्पॉन्स आंसर की भी हम लोगों का जारी कर दिया गया। उसके बाद कितने बार, लगभग हमको लगता है 10 से ज़्यादा बार संगठन के कार्यकारी सदस्य लोग हम लोग बार बार आते थे, और बोला जाता था विद इन वीक, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह, आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्द। अब आश्वासन के कारण से सब कोई हम लोग शांत थे, लेकिन आते आते अचानक एक नई समस्या, मतलब कहा जाता है कि झारखंड में जो चयन आयोग है इसमें समस्या की कमी नहीं है, और उसी बीच में लगभग 10 दिन पहले हम लोगों के बीच में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। समस्या तो अनेक है, लेकिन वर्तमान में जो समस्या है उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि JSSC के द्वारा 310 वैसे अभ्यर्थियों को रद्द किया है आवेदन, जो अभ्यर्थी 1 से अधिक आवेदन किए हैं, जिसका अंतिम आवेदन को स्वीकार किया गया है, जो नियम के तहत सही है। और यह भी JSSC आयोग को पता नहीं था, ये हम लोग संगठन के माध्यम से जब पता चला कि एक अभ्यर्थी 2-2, 3-3 एग्ज़ाम बैठे हैं, जबकि आवेदन जो विज्ञापन जो जारी हुआ था उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि एक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक आवेदन करते हैं तो उसका केवल अंतिम आवेदन ही मान्य किया जाएगा, उससे पहले जो भी आवेदन रहेगा उसको रद्द किया जाएगा। और उस पर संज्ञान हम लोगों ने संगठन के माध्यम से JSSC आयोग को दिए, JSSC ने उसको पुनर्विचार करते हुए 310 वैसे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को रद्द कर चुका है। आज क्या स्थिति आ गई है आयोग को, किस प्रकार से समस्या आ गई है, उसके कौन लोग हैं आयोग के, कौन से नेता के पर्सनल आदमी हैं या तो फिर अधिकारी के पर्सनल आदमी हैं जो पुनः उस पर विचार किया जा रहा है। पुनः विचार करना मतलब जो नियमावली कहा गया है उसको अपने आप में परिवर्तन करने का विचार कर रही है आयोग, और ये स्पष्ट तौर से आज भी यह निष्कर्ष आया कि एजेंसी को आयोग के द्वारा एक लेटर दे करके, मतलब कि आवेदन दे करके मेल के माध्यम से पूछा गया है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 से अधिक आवेदन बैठे हैं। भाई स्पष्ट है, जब आपने रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड जारी करने से पहले 50 अभ्यर्थी को रद्द किए हैं, उसके बाद 310, मतलब 310 और 50 360, तो 360 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 से अधिक आवेदन रद्द किए हैं। अब परीक्षा कितने बैठे हैं उसकी जिम्मेवारी नहीं है, जो अंतिम आवेदन है वो तो स्वीकार है सबका। कोई ऐसे अभ्यर्थी अगर हैं जो मान लिया जाए 5 आवेदन भरे हैं और 5 का जो अंतिम आवेदन है वो स्वीकार नहीं हो, तब हम लोग स्वीकार करेंगे, जबकि उस पर विचार करना बिल्कुल गैर संवैधानिक है, नियम के विरुद्ध है। और वही संज्ञान जो हम लोग के बीच में आया आयोग के माध्यम से, तो शायद 2-4 लोगों का इज्जत वैल्यू शायद थोड़ा वेटेज कम मिल रहा था, तो इसी के माध्यम से कल 21 तारीख को एक ईमेल के माध्यम चलाए थे, ईमेल अभियान था, ईमेल के माध्यम से सभी लोग अपना अपना विचार मेल किए, और लगभग 230
मेल कल का डेट में 21 मार्च 2024 को JSSC आयोग को गया है, उसके बाद आज लगभग जितने लोग सक्षम थे वो लोग अभी आए हैं, लगभग 60-65 के कैंडिडेट आज JSSC आयोग आए हैं और यहाँ पे अपना जो विचार था वो सभी अपना अपना लेटर के माध्यम से दिए, जो अपना मेल किए थे। अब किसके मेल में क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन सबका यही मंतव्य है कि जो दिक्कतें हैं उसको सबको आयोग को सूचनार्थ कर दिए हैं। धन्यवाद सर। आगे नेक्स्ट आप बताइए कि आयोग जो है किस लिए गए थे और आयोग ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, आयोग आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों का जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए 5 महीने बीत चुके हैं और उसका जो आंसर की है वो आंसर की भी हमारा दिसंबर में आ गया था और आयोग के वेबसाइट में ये लिखा गया था कि जो हम लोग का जो परीक्षा फल है वो जनवरी में प्रकाशित कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग खुद ये बात मानती थी कि जनवरी में आएगा और उसी हिसाब से काम भी चल रहा था कि दिसंबर में हम लोग का आंसर की दिया गया था। हम लोग ऑब्जेक्शन राइज कर चुके थे, क्योंकि अभी 3 मंथ पार होने वाले हैं, मार्च खत्म होने वाला है, अभी तक इसमें कुछ विचार नहीं किया गया, ना ही हम लोग का रिस्पॉन्स शीट दिया गया, ना ही फाइनल आंसर की दिया गया, तो हम लोगों के बीच बहुत ही संशय का विषय बना हुआ था। चूँकि JEE का रिजल्ट दे दिया गया, PGT वालों का दे दिया गया, अभी देखिए नगर निगम जो विवादों से घिरा हुआ था, बहुत सारा उसका एग्ज़ाम हुआ, 5 सेंटरों में रद्द हुआ, उसका भी अभी ऑब्जेक्शन राइज करने का दे दिया गया, तो हम लोगों में आखिर क्या दिक्कत थी कि दिसंबर में देने के बावजूद भी अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसी विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए बात करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें और हम लोग भी खुशी के पात्र बने, नौकरी चाकरी हम लोग का भी हो, बस यही मांग था हम लोग का, बात यही हुआ है और आश्वासन दिया गया है कि देखिए विभाग इस पर काम कर रहा है, वो तो सीधे पल्ला झाड़ते हैं विभाग वाले कि काम तो चल ही रहा है, हर बात आपको बताना जरूरी नहीं है, फिर भी देखते हैं कहाँ तक कब तक कर पाते हैं, जब तक लड़ना पड़े लड़ेंगे, हम लोग साथ हैं, संगठित रहेंगे, जरूर जीत होगी हम लोगों की। चलिए धन्यवाद। नीलकमल सर आप बताइए कि आयोग जो आए क्या मुद्दा था और क्या आश्वासन दिया गया और JSSC को आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का मुद्दा ये था सर कि झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम 28-29 नवंबर को हुआ था, इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा डबल टेबल आवेदन किया गया था और उसका एडमिट कार्ड जारी किया गया था और वो लोग परीक्षा भी मतलब में शामिल हुए थे, तो उसके बाद जब हम लोगों को पता चला कि इस तरह का मतलब मामला सामने आया है, तो हम लोग आयोग को इसको अवगत कराए कि इस तरह की भूल हुई है आयोग से, तो आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए वैसे 310 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया। उसके बाद वो 310 अभ्यर्थी जो थे वो लोग कौन थे ये तो हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये मतलब सरकार के या फिर कोई सिस्टम से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को दोबारा मौका दिया गया परीक्षा में और हम लोग नियम के अनुरूप एक ही आवेदन दिए, एक एग्ज़ाम में बैठे और हम लोगों का रिजल्ट जो है आचार संहिता से पहले का मांग कर रहे थे लगातार, हम लोग को आश्वासन भी दिया जा रहा था कि हम लोग का रिजल्ट लगभग आचार संहिता से पहले दिया जाएगा, लेकिन जब बार बार आयोग आने से फिर बीच में पता ये चलने लगा कि वो जो 310 आवेदन रद्द किया गया है वो लोग पैरवीदार लोग हैं और वो लोग आयोग में आ करके नेता विधायक मंत्री से पैरवी करवा करके वो लोग का जो अवैध तरीके का आवेदन रद्द किया गया है उस आवेदन को फिर से पुनः विचार करते हुए मान्य करने का ये लोग मांग कर रहे हैं और इसी कारण से ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जो है में इतना विलंब हो रहा है। तो हम आयोग से कहना चाहेंगे कि जो भी नियमावली है वैकेंसी का, उस नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि एक से अधिक आवेदन किए जाने के स्थिति में अभ्यर्थियों का मात्र अंतिम आवेदन को स्वीकार माना जाएगा, उस आधार पर आयोग 310 अभ्यर्थी का आवेदन को रद्द कर दिया गया है, इसलिए हम लोगों का मांग है, हम लोग CITS अभ्यर्थी CITS संघ के माध्यम से आज हम लोग JSSC आए हुए थे, हम लोगों ने अपना मांग रखा है कि वो 310 और उससे पहले 50 मतलब जितने भी डबल आवेदन मतलब अवैध तरीके से गलत तरीके से किए गए आवेदनों को रद्द मानते हुए ऐसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को उस पर पुनः विचार नहीं करने का हम लोग आग्रह किए हैं और नियम के अनुसार वो लोग को रद्द मानते हुए ही जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए और रिस्पॉन्स की का मांग किए हैं हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जो है JSSC को क्या कहना चाहते हैं कि कितने दिन के अंदर
रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, अगर नहीं किया जाए तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए हम लोगों का कुछ नहीं है, बस हम लोग का यह मांग है कि जितना से जितना जल्द हो रिस्पांस की जारी करे इसी मंथ। चलिए, और उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया मतलब आचार संहिता से पहले जो, इसके लिए आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं? हाथ खड़ा करें सब कोई। चलिए, JSSC को हाथ दिलाने के लिए समय समय पर आप लोग शायद आते रहेंगे। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।